स्टोरी है एक छोटी सी, लोहे की और सोने की, गोल्ड की। आमने सामने दो दुकानें हैं, एक है जहां पर सोने के आभूषण बनते हैं, सोने को तराशा जाता है, सोने को भी हथौड़ी मारी जाती है, और सामने ही लोहे की दुकान है जहां लोहे को पीटा जाता है। तो लोहे को जब पीटा जा रहा है तो लोहा भी तपाया जाता है, उसको भी उसी प्रोसेस से जाना पड़ता है जिस प्रोसेस से सोने को जाना पड़ता है। सोने के आभूषण बनाने हैं तो सोने को भी पीटा जाता है, उसको भी मारा जाता है, उसको भी हीट दी जाती है, तपाया जाता है। दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों मेटल्स हैं, पर फर्क कहाँ आता है। सोने पर जब हथौड़ी चलती है तो उसकी आवाज़ भी नहीं होती, वो हथौड़ी चलती है तो सोना जो है उसकी आवाज़ नहीं निकलती, वहाँ पर कोई शोर नहीं होता। बड़े धीरे धीरे से, बड़े ही प्रेम से सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, हथौड़ी लोहे की मारी जाती है उस पर। पर जो लोहा है उसको पीटा जाता है, उसको बहुत अग्नि में डाला जाता है, उसको तपाया जाता है, उसको बेरहमी से पीटा जाता है। तो एक बार दोनों ने आपस में बात की, सोने ने लोहे से कहा कि तुम्हारी तो बहुत आवाज होती है, तुम बहुत चीखे मारते हो, जब तुम्हें बहुत चिल्लाते हो, जब तुम्हारे ऊपर वार किया जाता है हथौड़ी का, मेरे पर भी वार होता है हथौड़ी का, पर मेरे अंदर से कोई ऐसी आवाज नहीं निकलती जैसी तुम्हारी निकलती है। तो लोहा जो है वो कहने लगा कि तुम्हारे को जो पीटता है वो तुम्हारा अपना नहीं है, सोने की हथौड़ी नहीं होती, हथौड़ी लोहे की होती, तुम्हारे को तो कोई बाहर वाला पीटता है और वो भी बड़े प्रेम से ही पीट देता है, पर मुझे तो पीटने वाले, जो मुझे मारने वाले हैं वो तो मेरे अपने हैं, वो तो लोहे की हथौड़ी ही मेरे पर वार करती है और लोहे की हथौड़ी ही लोहे पर बहुत जोरदार वार करती है। तो ऐसे ही हम ईर्ष्या करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से, अपने जान पहचान के लोगों से, अपने ही जिनको हम प्रिय कहते हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे जलसी करते हैं, हम दूसरों से नहीं करते। तो कहने का भाव है हम लोहे के समान हो जाते हैं, हम बिल्कुल लोहे की तरह ही हैं, हमें सोना बनना है, हमें दूसरों को, दूसरों के जैसे हम दूसरों से प्रेम रखते हैं या दूसरों से दूर के लोग हैं उनसे कोई ईर्ष्या नहीं हम करते, तो हमें ऐसे ही अपनों से करना है कि हम ईर्ष्या और द्वेष के भाव से दूर रहें। वी मे नॉट हैव जेलसी इन अस बिकॉज जेलसी इज वन थिंग दैट कृष्णा नेवर लाइक्स इट। भगवान गीता में क्लियरली कहते हैं कि सबसे ज्यादा मैं नापसंद किसको करता हूँ। गीता का 16वें अध्याय में जहाँ भगवान डिवाइन और डेमोनॉइड क्वालिटीज की चर्चा करते हैं कि डिवाइन क्वालिटीज कौन सी हैं और डेमोनॉइड कौन सी हैं, आसुरी गुण कौन से हैं और दैवी गुण कौन से हैं, कि दोज आर एनवियस एंड मिस्चीवियस, जो एनवियस हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो उस लोहे के समान है, जो दूसरों से द्वेष करते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, एंड दे आर मिस्चीवियस, क्योंकि वो ईर्ष्या द्वेष के लिए क्या करेंगे, किसी का कुछ भी अनहित कर सकते हैं। ईर्ष्या द्वेष इतना प्रबल हो जाता है कि वो हमारे को क्रोध में लाता है, हमारे से गलत कार्य करा देता है। हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, हम अपने आप को जलाते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में हम खुद ही जलते हैं। ईर्ष्या की अग्नि कहा गया है बड़ी खतरनाक है। सो भगवान भी कहते हैं कि मैं ईर्ष्यालु व्यक्ति को पसंद ही नहीं करता। नराधमा, वो नरों में अधम है, वो नरों में सबसे नीचे का है, सब मनुष्य योनि में सबसे नीचे है, क्योंकि वो दूसरों से द्वेष करता है।